1300 किलोमीटर होने वाला है और अब तक भाई साहब कहीं पे इसने मुझे धोखा नहीं दिया, तो देख सकते हो भाई। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम मोहित चौहान, मैं कर रहा हूँ 75 आवर साइकिलिंग चैलेंज दिल्ली टू कन्याकुमारी। तो भाई लोग, आज मेरा 11वां दिन है मेरी जर्नी का और 10 दिन में तुम्हारे भाई ने 1214 किलोमीटर साइकिलिंग कर ली है और एवरेज तुम देख ही सकते हो भाई 121 किलोमीटर का है। तो भाई बात करें रात की कि तो भाई रात दीदी के पास रुका हुआ था, जो अनुज की दीदी है वे यहाँ पे वडोदरा में रहती है, तो मैं इनके पास रुका हुआ था। और भाई यहाँ से अभी तो मुझे कुछ नहीं पता कहाँ पे जाना है, अभी मैप में देख के बताऊँगा। तो भाई लोग शेरनी को तो यहाँ पे खड़ा कर दिया था मैंने रात, और भाई कुछ सामान मेरा यहाँ पे है। और भाई लोग मैं सर्दी का सामान जितना भी है मैं यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत रखूँगा क्योंकि भाई आगे गर्मी होने वाली है, सर्दी तो है ही नहीं यहाँ पे। नॉर्मल टेम्परेचर है, सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और अब तुम देख सकते हो मैं हाफ टी शर्ट में खड़ा हूँ, तो भाई सर्दी इस साइड है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, और हमारी साइड तो बहुत ज़्यादा है। और भाई लोग बात करते हैं आज की राइड की, कुछ पता नहीं आज कितने किलोमीटर होगा, 80, 100 प्लस, कुछ नहीं पता अभी तक। अब मैप देखते हैं कौन सी जगह हमें जाना है, उसको सर्च करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कितना है। हाय, बोलिए। ठीक है दीदी, बाय बाय, टाटा। भाई मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात है भाई भाई पेड़ पौधों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा, और सफाई करने वाले तो पता नहीं कितने हैं, कम से कम 50-100 लोग तो सफाई करने वाले हैं। भाई लोग गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ, गुजरात में एंटर करते ही सर भाई गर्मी स्टार्ट होगी। सुबह के टाइम भी हाफ टी शर्ट में था और भाई अब साइकिलिंग नहीं हो पा रही बिल्कुल भी, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा। अब शाम के टाइम साइकिलिंग करूँगा क्योंकि 3 से 4 घंटे का भाई रेस्ट लेना पड़ेगा। धूप देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा हो रही है, देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है, और भाई गर्मी में क्या हाल होता होगा यहाँ पे। एक तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और ऊपर से भाई साहब गर्मी ऊपर से बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और साइकिलिंग करते वक्त हालत ख़राब हो रही है। पानी इतना पी लिया, कम से कम 5 से 6 लीटर सुबह से अभी तक, और जिसमें अभी तक पूरा दिन नहीं हुआ। भाई लोग साइकिलिंग करते टाइम ना इतना पसीना निकला है, इतना ज़्यादा निकला है, अब तुम आधी बाल्टी भर लोगे, इतना ज़्यादा पसीना निकला है। अपनी मंजिल से भाई 40 किलोमीटर दूर हूँ अभी, 45 किलोमीटर तो कवर हो गया, 45+ ही हो गया होगा, और 40 किलोमीटर तो 2-2.5 घंटे में कवर हो जाएगा। और भाई अपनी सामने में ना इस टाइम लोग रजाइयों में पड़े होंगे, कंबल में पड़े होंगे, और यहाँ देखो भाई साहब गर्मी इतनी हो रही है, बस क्या बताऊँ तुम्हें। आप टी शर्ट में हूँ, अगर थोड़ी देर साइकिलिंग कर ली ना 10 मिनट पसीने में पूरा लथपथ हो जाऊँगा, ऐसी गर्मी है यहाँ। राजस्थान में भी फिर भी ठीक था, अपने गर्म कपड़े तो मैं ज़्यादातर वहीं छोड़ आया दीदी के पास, क्योंकि दीदी घर जाएगी तो हनी के वहाँ घर पर पकड़ा देगी, और स्लीपिंग बैग एक एक्स्ट्रा रह गया, स्लीपिंग बैग भी दे देना चाहता मुझे, क्योंकि भाई स्लीपिंग बैग का कोई काम नहीं है आगे तो बिल्कुल नहीं है, आते वक्त हो सकता है भाई, स्लीपिंग बैग भी एक्स्ट्रा ही है। अगर कोई आगे मेरे जानने वाला मिलता है ना तो स्लीपिंग बैग उसके पास छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि भाई स्लीपिंग बैग में ही वजन है 2.5 से 3 किलो के आसपास, स्लीपिंग बैग में वजन है, देखते हैं क्या होता है। चलो भाई अपने टारगेट को हिट करते हैं, यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है अभी अपनी मंजिल, शाम के 4 बज गए हैं, और जितना जल्दी हो सके भाई पहुँचेंगे फिर आराम से रेस्ट करेंगे। एक तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी साइकिल चलाने का, क्या करें, करनी पड़ेगी और चलानी भी पड़ेगी। चलो भाई शेरनी बहुत रेस्ट ले लिया अब तो चले, यूँ कभी मना नहीं करती मैं मना करने लग जाऊँ पर यूँ कभी मना ना करती भाई, ये बंदी बढ़िया है, इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, अब तक तो दिया नहीं भाई, आगे का कुछ पता नहीं, पर अब तक तो इसने मुझे धोखा नहीं दिया कहीं भी। लेह लद्दाख भी कवर कर दिया इसने, अब देख लो भाई 11वां दिन है आज, और भाई 1300
किलोमीटर होने वाला है और अब तक भाई साहब कहीं पे इसने मुझे धोखा नहीं दिया, तो देख सकते हो भाई फर्क आपके सामने है। साउथ की साइड जा रहा हूँ ना, मतलब अभी मैं गुजरात में हूँ और जैसे साउथ में एंटर करेंगे भाई मंदिर लाजवाब है भाई। भाई जितना साउथ की साइड जाऊँगा ना मंदिर इतने खूबसूरत खूबसूरत मिलेंगे ना बहुत ज़्यादा। तो भाई लोग सुबह से ये दिन आ गया, सुबह मैं पराठे खा के चला था, फिर दोपहर के टाइम भी पराठे खाए थे, अब कुछ खाएंगे क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई चाय कितनी पीता है भाई, 4 से 5 बार चाय पी लेता हूँ दिन में, और अब कुछ खाऊँगा दबा के सही से क्योंकि भाई वेट अब की बार डाउन नहीं करना है बिल्कुल भी, अभी तक वेट सही चल रहा है, अगर वेट डाउन हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पिछली बार मेरा 5 किलो वेट घट गया था, अब की बार ऐसा होने नहीं देना, चाहे पैसा कितना भी लग जाए पर वेट टूटना नहीं अब की बार। तो भाई लोग टेस्ट की बात करें तो भाई टेस्ट नेक्स्ट लेवल है भाई, मज़ा आ गया स्वाद आ गया। तो भाई लोग तुम्हारे भाई का खाना पीना तो हो गया, बात करते हैं स्टे की, स्टे भी मिल गया, यहाँ परमिशन मिल गई थी भाई टेंट लगाने की, तो टेंट यहाँ पे लगा दिया और सहनी को यहाँ पे लॉक कर दिया, वैसे तो रात को कोई दिक्कत नहीं होने की, दिक्कत होगी या नहीं होने की? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई को, तो कोई दिक्कत नहीं होने की। और बात करते हैं भाई आज के दिन की, तुम्हारे भाई ने 90 किलोमीटर साइकिलिंग की है आज, टोटल हो गया 11 दिन का 1304 किलोमीटर। तो तुम्हारा भाई इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, थोड़ी सी तुम भी कर लो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है? अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो। इस वाले व्लॉग को तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।